मानव चरित्र ही उसका गौरव है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आपका सम्मान करेगा और आपसे प्यार करेगा, लेकिन अगर आपका चरित्र खराब है तो कोई भी आपसे प्यार या सम्मान नहीं करेगा, हर कोई आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। यहाँ चरित्र के बारे में कुछ मूल्यवान तथ्य दिए गए हैं जिन्हें हमें इस वीडियो में अवश्य जानना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो से कुछ सीख सकते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चरित्र के बारे में कुछ मूल्यवान सबक सीखें। आपके मरने के बाद कोई आपके रूप पर चर्चा नहीं करेगा, वे आपके चरित्र पर चर्चा करेंगे। इसलिए शक्ल से ज्यादा किरदार को खूबसूरत बनाइए। अगर किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र के बजाय कपड़ों से आकी जाए तो महान लोगों की सूची 100 गुना बढ़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति का चरित्र जानने के लिए उसकी संगति करना जरूरी नहीं है, उसकी वाणी से चरित्र का पता लगाया जा सकता है। एक खूबसूरत घर बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक खूबसूरत किरदार बनाना। आप लोगों के चरित्र में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने चरित्र में सुधार करके उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश करता है उसका चरित्र सबसे खराब होता है। चरित्र एक सफेद कपड़े की तरह है जो एक बार गंदा हो गया तो फिर कभी साफ नहीं हो सकता। चरित्र मानव जीवन की एक पवित्र एवं अपरिहार्य संपत्ति है जिसका ठिकाना दुनिया में नहीं दिल में है। कुछ लोगों का चरित्र तब तक समझ नहीं आता जब तक राह पथरीली न हो जाए। 8. यदि किसी व्यक्ति का चरित्र सच्चा और सुंदर है तो उसकी वाणी भी सौम्य और विनम्र होती है। हो सकता है कि आपको किसी से उसकी खूबसूरती के कारण प्यार हो जाए, लेकिन एक बात याद रखें कि आप असल में उसकी खूबसूरती के साथ नहीं बल्कि उसके चरित्र के साथ जिएंगे। रूप नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह ईश्वर की रचना है, लेकिन चरित्र बदला जा सकता है क्योंकि यह आपकी रचना है। अपना चरित्र ऐसा रखो कि रास्ते से घर लौटती लड़की भी तुम्हें देखकर डरे नहीं बल्कि भरोसा करे। जैसे कोयले की धूल गंदी नहीं होती, वैसे ही कुछ लोगों का स्वभाव और चरित्र नहीं बदलता। एक नेक जीवन साथी ढूंढने का अर्थ है स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढना। एक जिम्मेदार पत्नी एक पुरुष का गौरव है और एक चरित्रवान पति एक महिला का गौरव है। स्त्री अपने पति के धन से कभी सुखी या दुखी नहीं होती। उसकी खुशी या नाखुशी उसके पति की योग्यता और चरित्र पर निर्भर करती है। हर कोई मानवीय शक्ल लेकर पैदा होता है, लेकिन हर किसी में मानवीय चरित्र नहीं होता। अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति न केवल ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता है बल्कि दूसरों के दिलों में भी जगह बनाता है। मनुष्य अपना घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी वह दुखी रहता है क्योंकि वह अपना चरित्र नहीं बदलता। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र बिना दर्पण में देखे देखा जा सके तो लोग अपनी शक्ल संवारने की बजाय अपने चरित्र को संवारने की होड़ में लगे रहेंगे। आईना कितना भी महंगा हो, तस्वीर वही रहेगी। कपड़े कितने भी महंगे हो, सीरत वही रहेगी। मानव शरीर का सबसे सुंदर गुण उसका चरित्र है। यदि वह गंदा है तो मन और विचार सुंदर कैसे हो सकते हैं? इच्छा को लंबा करने का अर्थ है अपने ही हाथ से अपने चरित्र को नष्ट करना। शिक्षक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी उसे देखकर सम्मान महसूस करें। चरित्र के कारण बहुत से प्रतिष्ठित पुरुषों ने अपना आदर खोया है, बहुतों ने तुच्छ मनुष्य ने बड़ा आदर पाया है। इसलिए चरित्र को हमेशा सही रखें। फूल को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्र में रहो, संसार स्वयं मुग्ध हो जाएगा। इंसान स्थापित होने के बाद जो करता है वही उसका असली चरित्र होता है। आप कितने पढ़े लिखे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आपका चरित्र कितना अच्छा है यह अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो लोग विश्वास नहीं करेंगे चाहे कोई बुरा व्यक्ति आपको कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे। जो व्यक्ति दूसरों के बुरे चरित्र के बारे में शिकायत करता है वह अपने चरित्र के बुरे पक्ष को उजागर करता है। 31. यदि देखना है कि किसी व्यक्ति का चरित्र कितना साफ है तो देखें कि उसमें कितनी करुणा है, और यदि देखना है कि किसी व्यक्ति का चरित्र कितना गंदा है तो देखें कि उसमें कितनी नफरत है। अभाव मानव स्वभाव को नष्ट कर देता है और स्वभाव मानव चरित्र को नष्ट कर देता है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रसिद्धि उसकी छाया है। एक अमीर परिवार की पत्नी होना भाग्य की बात नहीं है बल्कि ईमानदार चरित्र का जीवन साथी होना भाग्य की बात है। अच्छे चरित्र की पहचान अच्छे कपड़ों से नहीं बल्कि अच्छे गुणों से होती है। चरित्र और सम्मान दो ऐसी चीजें हैं जो एक बार नष्ट हो गईं तो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। लोग बदसूरत नहीं होते अगर वे बदसूरत दिखते हैं, लोग बदसूरत तभी होते हैं जब उनका चरित्र बदसूरत होता है। मनुष्य का चरित्र यह निर्धारित करता है कि वह कुलीन है या अज्ञानी,
वीर है या अहंकारी, पवित्र है या अशुद्ध। जिनके पास अपना चरित्र नहीं होता वे दूसरों के चरित्र के बारे में बात करते हैं। जिसका चरित्र उसके जीवन साथी जैसा होगा। कपड़ों पर दाग लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन चरित्र पर दाग लगना सबसे बुरी बात है। अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति को गिराया नहीं जा सकता। अक्सर लोग सार्वजनिक रूप से जो करते हैं वह उनका असली चरित्र नहीं होता। लोग पर्दे के पीछे जो करते हैं वह उनका असली चरित्र होता है। हर कोई अपने आप को दिखावे से सजा सकता है, लेकिन जो लोग खुद को गुणों और चरित्र से सजाते हैं वही असली इंसान होते हैं। चरित्र ही मनुष्य का असली चेहरा है। जिस व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता वह कमजोर चरित्र का होता है। चरित्र सबसे खूबसूरत चीज है जिसे कोई व्यक्ति हासिल कर सकता है। अच्छा रूप कभी भी अच्छे चरित्र से अधिक महंगा नहीं हो सकता। 49 जो व्यक्ति आलसी होता है वह कभी अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। चरित्र ही सफलता या असफलता की पहचान है। यदि चरित्र सफल है तो जीवन सफलता की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि चरित्र विफलता की ओर है तो जीवन निश्चित ही पतन की ओर है।